एक दर्जन से अधिक अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीत चुकी और 14 से अधिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी भीम अवार्डी गुलिया खाप की पुत्रवधू प्रियंका काद्यान से महिला कबड्डी प्रतियोगिता में एक बार फिर से है स्वर्ण पदक की उम्मीदें। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से हर भारतवासी गौरवान्वित है और अब निगाहें टिकी हैं इंडियन कबड्डी टीम पर। जी हां, महिला कबड्डी टीम पर अब भारतवासियों की निगाहें हैं, उनकी उम्मीदें हैं कि भारतीय महिला कबड्डी टीम अब स्वर्ण पदक दिलाएगी। आज हम आपको बता रहे हैं प्रियंका काद्यान के बारे में। इंडियन कबड्डी टीम में 2010 से लेकर 2023 तक भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रही प्रियंका काद्यान, जो 2014-15 में भीम अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है, 2012 से लेकर 2015 तक बेस्ट रेडर का अवार्ड प्राप्त कर चुकी है सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में, हरियाणा टीम की कप्तान रही है, 2012 से लेकर 2016 तक नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में लगातार हरियाणा प्रदेश की कप्तान रही है। और आपको बता दें कि प्रियंका काद्यान जो झज्जर जिले के जहांगीरपुर गांव की पुत्रवधू है, टोटल इंटरनेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में 10 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है, 10 गोल्ड मेडल, और नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में 12 बार 3 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 5 ब्रोंज जीत चुकी प्रियंका काद्यान। टोटल स्टेट नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में 6 मेडल हैं, 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल। आपको बता दें कि साउथ एशिया गेम्स से लेकर के 2019 में 2017, 16, 14, 13 और 12, जी हाँ 2010 से लेकर के 2019 तक लगातार उन्होंने अनेकों पदक जीते हैं। अब निगाहें टिकी हैं भारतीय महिला कबड्डी टीम का क्या परिणाम रहेगा, कल से उनकी प्रतियोगिताएं शुरू हो रही हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में, और इस समय मैं मौजूद हूं झज्जर जिले के जहांगीरपुर गांव में। जहांगीरपुर गांव में आज खुशियां हैं, उत्साह है, जोश है, और उसके पीछे कारण है जहांगीरपुर की लाडली बहू प्रियंका काद्यान, जो भारत की कबड्डी टीम का प्रतिनिधित्व कर रही है एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में। वो बतौर वाइस कप्तान भारत की कबड्डी टीम की अहम सदस्य हैं। कल से उनके मैच शुरू होने हैं और ऐसी दुआएं की जा रही हैं कि भारत की झोली में एक और स्वर्ण पदक डालने काम करेगी भारत की महिला कबड्डी टीम। हमारे साथ अंकित जी हैं और तमाम उनके गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं, जिनके मन के अंदर उत्साह है और सबकी यही दुआ है कि एक बार फिर से वो अपना इतिहास दोहराएंगी, स्वर्ण पदक दिला करके भारत को गौरवान्वित करेंगी। मैं आपको बता दूं कि प्रियंका काद्यान जो जहांगीरपुर गांव की बहू हैं, हाल ही में उनकी शादी हुई है और हमारे साथ उनके जीवन साथी के रूप में अंकित काद्यान जी हैं। तो आइए बात की शुरुआत अंकित से ही करते हैं। अंकित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और समाचार कैरी के सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम मैम। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रियंका भारतीय टीम की उपकप्तान है। अंकित जी, मन में बड़ा कौतूहल होगा, उत्साह होगा, जिज्ञासा होगी मैच को लेकर के, तो सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है प्रियंका काद्यान को लेकर? सबसे पहले यही प्रतिक्रिया है जी, हमने मेहनत कर रखी है और काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं और यही दुआ है भगवान से कि भारत का इतिहास दोबारा दोहराया जाए और भारत की झोली में स्वर्ण पदक आए। प्रियंका को लेकर के आप क्या सोचते हैं, किस तरह का माहौल रहेगा और जो वर्तमान हालात हैं उनके पीछे के जो स्वर्णिम प्रदर्शन को देखते हुए क्या उम्मीदें हैं? प्रियंका ने पीछे 11 इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीते हैं और 17 नेशनल में मेडल जीते हैं और 2014 और 15 में उन्होंने भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और मैं बता देता हूँ जी, प्रियंका ने 2010 से प्रोफेशनल कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था और अभी 2023 तक खेल रहे हैं। इतना लंबा कबड्डी का कैरियर भारतीय इतिहास में किसी का भी नहीं है। बिल्कुल। और अभी इतिहास को फिर से दोबारा दोहराया जाएगा और भारत की झोली में गोल्ड मेडल आएगा। बिल्कुल। और दोस्तों, इतना लंबा कैरियर, जैसा कि अंकित काद्यान जी ने बताया है, 2010 से उन्होंने अपने प्रोफेशनल कबड्डी गेम की शुरुआत की थी और सफलताओं दर सफलता सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अनेक ऐसे रिकॉर्ड प्रियंका काद्यान के खाते में दर्ज हैं। जैसा कि अंकित जी ने बताया है कि वो लगभग एक दर्जन से अधिक बार
अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं, 17 बार वो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं, भीम अवार्डी हैं और वर्तमान में वो एशिया कप 2023 में भारत की महिला कबड्डी टीम में एज ए वाइस कैप्टन कल से वो अपना मैच शुरू करने जा रही है। दोस्तों ये दुआई की जा रही है, यहाँ पर जहांगीरपुर का पूरा इनका जो परिवार है वो मौजूद है और उनको पूरी उम्मीदें हैं कि वो एक बार फिर से स्वर्ण पदक जीतेंगी। क्या नाम है जी? सुरेंद्र नाम है जी मेरा जी, और ये हमारी पुत्र वधु हैं और पूरी उम्मीद है कि गोल्ड मेडल लेके आएंगी। जो इनकी पिछली परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए गोल्ड मेडल इनका पक्का है जी। आपको भी यही उम्मीदें हैं? मेरे को भी यही उम्मीद है। समाचार कैरी को, आपके दर्शकों को नमस्कार, और मैं इतना उत्साहित हूँ कल मैच देखने के लिए और मेरे इतनी बड़ी उम्मीद है कि ये फिर अपने इतिहास को दोहराएंगी हमारी बेटी। बिल्कुल बिल्कुल, तो मन में जिज्ञासा भी होगी, कौतूहल भी होगा। हाँ जी, मेरी पुत्र वधु है और अब की बार ये गोल्ड मेडल लेके आएंगे। इसके लिए पूरी मतलब तैयारियां हैं जशन की? पूरी तैयारी है, हर एक चीज की तैयारी है संजय जी, और ये कल से मैच शुरू हो जाएगा और 8 तारीख के हेरफेर में ये आएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ नंबरदार साहब हैं, उनसे भी जानेंगे। नंबरदार साहब, क्या लगता है, पूरा इलाका यहाँ मौजूद है, खास लोग आपके पारिवारिक मित्र मौजूद है, बधाइयां दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? बस जी, हमने भी लग गया है गोल्ड मेडल ही लेकर। पूरा विश्वास है पुत्र वधू पर? विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास। तो इसके लिए कल मैच देखने की तैयारियां कर ली हैं यहाँ पे आपने? हाँ जी, पूरे परिवार सहित आप मैच देखेंगे? हाँ, पूरे परिवार समेत। चलिए, पहलवान जी है, संदीप जी हमारे साथ है, राम राम जी, संदीप भाई राम राम। राम राम साहब। देखिए, खिलाड़ियों के लिए झज्जर जिले की मैं बात करूं तो बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है, कुश्ती की बात करें या अन्य खेलों की बात करें, कबड्डी में भी भारत का परचम लहराया है और प्रियंका काद्यान जो जहांगीरपुर की पुत्र वधु है, कल से मैच शुरू होने वाले हैं, आप भी जहांगीरपुर पहुंचे हैं। देखो जी, इस तरीके के प्लेयर हमारे एरिया में पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन एक पुत्र वधु एशियाड खेलना, इंटरनेशनल में जाके एरिया का नाम करना, एक अलग रोमांच है, अलग एक खुशियां हैं लोगों में, उम्मीद है पूरी की पूरी की। वो अपना पिछला इतिहास बहुत मेहनती खिलाड़ी है, पहले भी उसने इंटरनेशनल में अच्छे प्रदर्शन कर रखे हैं, नेशनली भी बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रखे हैं, पूरी की पूरी उम्मीद और भगवान से दुआ है और हम सब का आशीर्वाद है उसके साथ कि वो हिंदुस्तान को एक और गोल्ड इस बार भी दिलवाएं ही दिलवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी उम्मीद है जी? पक्का, स्वर्ण पदक की उम्मीद है? हाँ जी पक्का, ऊंचा नाम करेगी पूरे हमारे भारत देश का। कुछ अपने इष्ट देवता का नाम वाम लिया है आपने के भी भगवान से कुछ प्रार्थना? भगवान से पूरी प्रार्थना है जी। हमारे दादा सतन सराड़ा, हमारा जो है ना दादा कुल देगा, हम जो है ना नाम ले रहे हैं उस दिन से, जिस दिन से हमारी बेटी गई है, आगे भाई दादा हमारी बेटी को कामयाब करके ने वापिस लिया। बिल्कुल दोस्तों, इतिहास भी रहा है, केवल झज्जर जिले की मैं बात करूं, वर्तमान में मैं झज्जर जिले में मौजूद हूं, तो झज्जर जिले की मैं बात करूं तो 9 खिलाड़ी एशियाई प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। हाल ही में झज्जर जिले की बेटी, गुलिया खाप की बेटी जो पलक गुलिया है, उसने भी निशानेबाजी की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है और टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है और ये दोहरी सफलता उन्होंने प्राप्त की है। साथ लगते गांव निमाणा की वो बेटी है और इस समय मैं जहांगीरपुर में मौजूद हूं। जहांगीरपुर की पुत्र वधु प्रियंका काद्यान से भी स्वर्ण पदक की ही उम्मीदें हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के पूरा उत्साह है, आप देख पा रहे हैं, परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। अंकित काद्यान जी से मैं एक बार फिर से जुड़ना चाहूँगा। अंकित जी, ऐसे जीवन साथी के रूप में खिलाड़ी, मुझे जानकारी मिली है कि आप भी राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग खिलाड़ी रहे हैं, वर्तमान में आप भारत देश की सेवा कर रहे हैं, आर्मी में आप हैं, तो पर्सनल अनुभव क्या है आपका? जी, मैं प्रोफेशनल स्विमर हूं और नेशनल मेडलिस्ट हूं मैम, और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे को एक खिलाड़ी के रूप में जीवन साथी मिला है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और अभी उम्मीद यही की जाती है जी, देखो हमने मेहनत की है और काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिवार उसी चीज़ के पीछे लगा हुआ है, तो उम्मीद यही की जाती है जी, इतिहास भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में दोबारा लिखा जाएगा और हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो दोबारा गाया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए, प्रत्येक भारतीय का ये सपना है कि तिरंगा फहराए, राष्ट्र धुन बजे और सारा देश झूम उठे, ऐसा पलक गुलिया ने कर दिखाया है और अब उम्मीदें हैं प्रियंका काद्यान से। कल से मैच शुरू हो रहे हैं, पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि प्रियंका काद्यान भारत की टीम में खेलते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाएगी, इंतजार है। और दोस्तों, बेटियों ने, खास तौर से महिला पहलवानों की मैं बात करूं या बेटियों की बात करूं, बेटियों ने हमेशा भारत देश का जो सर है वो ऊंचा करने का काम किया है और आज जहांगीरपुर गांव की इस पुत्र वधु
प्रियंका काद्यान से ये उम्मीदें हैं कि वो स्वर्ण पदक जीतेगी। भाई हमारे को इतनी उम्मीद है, हमारे यहाँ जितनी भी हमारी बहन बेटी हैं जो प्लेयर बनने की इच्छुक हैं उनको इतनी मजबूती मिलेगी हमारी बेटी स्वर्ण पदक लेने के बाद, आज जो है ना सभी को जो है ना वह चाहेंगी कि भाई हम भी इसी ओहदे पर जाएं और इसी तरह खेलें। और भाई जो ऐसे प्रियंका काद्यान जो है ना ये गोल्ड मेडल ले आई है, हम भी उसके उस टीम के हिस्सेदार बने। देखो जैसे इंटरनेशनल प्लेयर अभी इंटरनेशनली वो इंडिया का तो प्रतिनिधित्व कर रही है वहाँ पे, उससे जो हमारे लोकल जो एरिया है जो गांव ग्रामीण बेल्ट में जो लड़कियाँ जो मेहनत करती हैं और उनका जो पारिवारिक जो स्पोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हर कोई अपने बच्चे ने स्पोर्ट्स की तरफ भी उम्मीद की नज़र से देखेगा, जैसे कि आज भाई प्रियंका लेकर होगी एक और गोल्ड हुआ तो हर कोई ये उम्मीद रखेगा कि हमारा बालक भी आगे बढ़ है और एक एक होते हैं ना बूस्ट जो मिलता है लड़कियों के लिए भी, एक उनके सोच सब सब सुधर है इस तरह। तो हमारी दुआएं हैं, हमारा आशीर्वाद है कि वो एक और गोल्ड हिंदुस्तान को दिलवाए। ऐसी पुत्रवधू आपको मिली है जो भारत देश का गौरव बढ़ा रही है, भीम अवार्डी है, भारत की टीम में खेल रही है, उसकी जीत से जो तमाम माँ बाप हैं जो हमारा चैनल देख रहे हैं जो अपनी लड़कियों को खेल में लाना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो जे खुशी का ठिकाना है कोना और हमारी बेटी गोल्ड मेडल लेकर आओगी और हमारे एरिया का जज डिस्ट्रिक्ट का हमारे इंडिया का नाम रोशन करेगी और सब के भाई ये हमारी बाण बेटी और है इन भी इस तक प्रेरणा मिलेगी और हमारी बेटी गोल्ड मेडल लेकर आओ। संजय जी आप जैसे बेटी हमारी चाइना में गई हुई है खेलने के लिए गोल्ड वहाँ से लेके आते हैं, पक्का पक्का ये तो मॉरल अप होगा हर उस खिलाड़ी का जी जो इनको देखते हैं इनसे सीखते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि एक रोल मॉडल की तरह कोई ना कोई गांव से देहात से बच्चा निकले और उनको ये शिक्षा मिले कि हाँ मैं भी नीचे सतह से ऊपर जाके और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। और वैसे भी इतिहास में ये रहा है कि हरियाणा में गोल्ड मेडलिस्ट जहाँ पे भी इंटरनेशनल और एशियाड या जो भी खेल होते हैं उनमें हरियाणा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है, तो उम्मीद है अब की बार भी ऐसा ही होगा और ये स्वर्ण पदक लेके आएंगी, जिस बहुत खुशी का माहौल है और पूरी पूरी उम्मीद है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि भारतीय कबड्डी टीम गोल्ड मेडल लेके आएगी और ये उन सब लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो स्पोर्ट्स फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं और ये कबड्डी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चा आगे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके और भारत के लिए खेल सकता है। प्रियंका काद्यान स्वर्ण पदक जीतती है, लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। आपके गांव में महिला जो कुश्ती है जो बच्चियों की है वो हर साल आयोजित की जाती है, तो लगता है ना आपको कि लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, हर माँ बाप चाहेगा कि हमारी बेटियां भी खेलों में आए। हर एक जी।